हम लोग फाइनली पहाड़ एंटर कर जाएंगे। फिर से ये लूबा लूबी शुरू हो गई है। पेट्रोल का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो धक्के मार के इनको तो ले जा सकते हैं। इसका क्या करेंगे, इसको कौन धक्के मारेगा भाई। जो इतने दिन से मुझे बदनाम किया जा रहा था कि मैं रुकता हूँ। बुलेट ही बुलेट जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर फाइनली गाइस, फाइनली 33,000 हवा में लटक रहे उधर। थोड़ी थोड़ी वादियाँ शुरू हो गई है, वेदर एकदम कूल होना लग गया है भाई। मतलब भूसा के लिए नहीं बने, उधर भूसा लेके आ गए भाई। गाइस इस अच्छी शक्ल में मत जाओ, लगी पड़ी है। ये देखो ये इंडिकेटर देखो, इनका ये फॉग लैंप के साथ सिंक है। ये जैसे इंडिकेटर ब्लिंक हो रहे हैं वैसे आगे भी चल रहे हैं भाई साहब। ये देखो चाय की चुस्की इन द फर्स्ट पहाड़। ये साउंड तो सुनो, गाइस पहले ये खराब रोड, अभी खराब रोड में गाड़ी चल तो रही थी, अभी सामने ना सामने कुत्ते जैसा ट्रैफिक दिख रहा है। टायर देखो इधर जगह पे घूम रहे टायर। बाप रे, गई, लेट्स गो ना भाई, यही पे एंजॉय करने वाली बात। अभी इसको उठाएंगे कैसे? हिमालय वो पंचर हो गई है, सिस्टम खत्म हो गया है और हम हार चुके हैं। ये क्या हो रहा है, लद्दाख पहुंचने के पहले सबकी गाड़ियां ऐसे क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। कोई घाई नहीं, एक बज गया रात का। श्रीमन भाई को अलग चीज सूझ रही है इधर, हम गाड़ी का इंटीरियर देख रहे। अरे वो अपने बंदे रुके ठंड में उधर। ये देखो गाइस, ये है हमारा दुश्मन। गाइस ये बनियाल विनियाल ठीक है, पर ये आगे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। सुबह सुबह श्रीनगर के रस्तों पे निकले वॉकिंग करने हम। तो कल हम लोग फिर से सुबह पहुंच गए जलंधर। जैसे कि आप लोगों ने देखा, होटल ढूंढने में थोड़ी सी परेशानियां हुई बट पहुंच गए। पिछला ब्लॉग में एंड नहीं कर पाए क्योंकि आके डायरेक्ट खत्म हो गए भाई। तो आज का दिन है day 4 और फुल एनर्जी के साथ फिर से आ गए हम लोग इसी पसारे के साथ, यही चेहरों के साथ। और टी शर्ट थोड़ा अलग है, कपड़े बदल लिए, नहीं वो दिक्कत नहीं है। और आज से गाइस, आज से जिसके लिए हम लोग हायाबुसा पे पीठ तुड़वाते हुए आए, हम लोग फाइनली पहाड़ एंटर कर जाएंगे। जलंधर से पठानकोट, पठानकोट से जम्मू, जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में आता है श्रीनगर बाय द वे, बट पहुंच जाएंगे वहां। हमारी जो मुंबई की पब्लिक है 3 से 4 लोग पहुंच गए ऑलरेडी और हाउस बोट वगैरह सब ले ली है। हमको कोई टेंशन नहीं है, बस पहाड़ों में घुसना है, आप लोगों को पहाड़ दिखाना है। और आज भी माइक का इशू आ सकता है, आएगा ही आएगा। अब मैं इस पे प्राउड नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, सब हाथ पैर मार के देख ले पता नहीं क्या इशू है। मैं श्रीनगर अकेले का नहीं है तुम्हारा इशू, सबका, हाँ सबका इशू। और नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ ना, बार बार कर रहा हूँ भाई। क्या बोल रहे मालूम है, आप भावना को समझो, भावेश को छोड़ दो। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चलते हैं, चालू करते हैं इन्हीं तमाशों के साथ। सामान भी मन बांधना है, चेन भी लूप करने हैं और 600 किलोमीटर करीब जाना है फिर। तो शुरू करते हैं आज के तमाशे भी टुवर्ड्स श्रीनगर। और आई होप आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चालू करते हैं। ये बंजी कॉर्ड देखो क्या रिफ्लेक्ट मार रहे वे, ये हो गई हालत, लटका लिए खुद पे बंजी कॉर्ड। और रूम तो दिखाया नहीं आपको, एकदम 2 रुपए का रूम था, मतलब दिखने में आपको अच्छा लग रहा है पर ये जो वस्तु है ना, ये जो वस्तु बिल्कुल नहीं चल रही थी। क्या बोल रहे हो, एकदम थर्ड क्लास एसी, और ये पता नहीं चल नहीं रहा है। इधर फ्रिज है, फ्रिज ये ना, ये भी कुछ चल नहीं रहा है। मतलब समझ सा नहीं आया रे, क्यों लिया हमने ये रूम और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बिल्कुल समझ नहीं आया। बट चलो अभी सामान लेने आते हैं वो, और नीचे निकलते हैं। हमको सिर्फ रात निकालनी थी इसलिए हम लोग रुके थे। फिर से ये लूबा लूबी शुरू हो गई है, करो चालू करो, इसका मुश्किल ही है। और फिर से वही तमाशे। गुड मॉर्निंग, आज के व्लॉग में स्वागत है आपका भी। मैंने बोल दिया, सुबह बोल के रख दिया पब्लिक को कि अभी थोड़ा एडजस्ट कर ही लो, अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं इधर। चलो चालू करो ना पतू भाई। गाइस कभी जिंदगी में चैन साफ नहीं किया था, लेकिन अभी चैन लूप वगैरह इतना प्रॉपर काम चालू है ना, मतलब क्या ही बोले। हो गया भाई पैकिंग बिकिंग, चेन लूप विन लूप सब हो गया, सिस्टम सॉर्ट हो गया एकदम। और बाइक पे बैठने की गोली लेते हैं और कटते हैं यहाँ से। 622 किलोमीटर हम लोगों ने कल कवर किए थे और अभी फिर से फ्यूल अप करना है, फिर से सब करना है। और आज का भी 500 किलोमीटर करीब होने वाला है हमारा जर्नी। शांति से चढ़ाते भाई बाइक। ये देखो कैसा है चढ़ान, पूरा अंडरग्राउंड पार्किंग में था हमारा बाइक, ये आ गए हम लोग बाहर एकदम चिल में। चलो फ्यूल अप करते हैं और कट लेते हैं टुवर्ड्स श्रीनगर। हाईवे पे आ गए हैं होटल से, हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं था हमारा हाईवे, इतना अच्छा हमने मतलब प्लानिंग की थी। और आप जैसा कि देख सकते हो, पठानकोट के लिए लेफ्ट लेके फिर राइट की तरफ जाना है। तो अभी ये ब्रिज छोड़ रहे हैं हम लोग फाइनली,
और जा रहे हैं टूवर्ड्स पठानकोट, पठानकोट से फिर जम्मू पड़ेगा, बॉर्डर आ जाएगा, फिर जम्मू से जाएंगे श्रीनगर वाया उधमपुर। ये है आज का रूट। और पेट्रोल का अभी तक तो सिंबल आया नहीं है, पर पतू भाई की गाड़ी में जो है पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया। पेट्रोल का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो धक्के मार के इनको तो ले जा सकते, इसका क्या करेंगे, इसको कौन धक्के मारेगा भाई, ये मुद्दा है अभी है। मतलब जर्नी है ना जर्नी, आज जिसके लिए आए थे, जैसे कि मैंने बोला ना आप लोगों को कि जिस चीज के लिए आए थे पहाड़, वो शुरू हो जाएंगे और आपको एक से एक व्यू दिखने वाले हैं। बस व्लॉग ना व्लॉग कैसा भी बने भाई, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट्स है जो मिस हो सकते हैं आप लोगों से और फिर ना समझ आए आगे के पार्ट्स, इसीलिए बोल रहा हूँ कि एंड तक देख, ठीक है। चलो राइट लेते हैं। पावर है हाँ पावर डालो। अरे माँ कसम भाई, पावर 95 मिल गया गाइस पठानकोट में, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कितना 102 रुपए गया ये, अरे माँ कसम। फुल कर दो भैया, फुल फ्यूल अप हो गया है भाई, पावर 95 का मिला है फ्यूल, मजा आ गया भाई। 1690 का कुछ फ्यूल भरा है, तो इस हिसाब से कल मेरी फुल टैंक में 350 किलोमीटर चली है गाड़ी भाई। एवरेज तो दे रही है भाई, भूसा ना एवरेज, भूसा का क्या है 100 के ऊपर चला ना सिक्स गियर पे फाड़ देती है, मतलब एवरेज में तो मजा तो आ रहा है नो डाउट। चलो अभी अपना डेस्टिनेशन रह गया 416 किलोमीटर, तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है अभी, पता नहीं, पता अराइवल टाइम कब बता रहा है, रात को 11 बजे का ऑलरेडी, तो देखते हैं अभी 10 घंटे लगेंगे ऐसा बता रहा है गूगल मैप। तो चलो चलते हैं और चालू करते हैं आज का जर्नी टूवर्ड्स श्रीनगर। और डेस्टिनेशन जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी 400 किलोमीटर रह गए इधर से, बट सब लोग है ना सब लोग, पठानकोट हाईवे कैसा है, 2 लेन इधर और 2 लेन उधर, मतलब 4 लेन हाईवे है टोटल, और दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ सिर्फ खेत है, सिर्फ खेत। तो सब लोग को 6 लेन की आदत लग गई है ना, तो अभी 80 के ऊपर कोई जा नहीं रहे, सबको इरिटेशन हो रही है ये ट्रक्स वक्स के चक्कर में। अभी ना अभी मजा क्या है पता है, अभी मैं तो, मुझे तो आइडिया है मेरे साथ क्या होने वाला है, ये पहाड़ वगैरह क्या है, क्या सिस्टम है, पर इन लोगों को नहीं आइडिया है। बट ये लोग जज्बा अच्छा है इन लोगों का, इसीलिए मजा आ रहा है थोड़ा सा इनके साथ, मजेदार लोग है एकदम। और भूसा तो भूसा है ही, BM तो BM है ही, और हिमालयन एज ऑलवेज डूइंग इट्स जॉब वेल, ऐसा सीन है। अभी पठानकोट तक तो पहुंचते हैं, फिर नाश्ते का सीन देखते हैं, क्योंकि वो ना आज से हम लोगों को डायमोक्स का जो वो गोली है ना ऑक्सीजन का, क्योंकि आज से हमारा पहाड़ वहाड़ शुरू होने वाला है, ऑल्टीट्यूड क्लाइंब करना शुरू हो जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, तो डायमोक्स भी लेना है। अभी खाली पेट लेते हैं कि नहीं इतना आइडिया नहीं, इसीलिए मैंने अभी स्किप कर दिया है। नाश्ता जहाँ भी करेंगे वहाँ वो डायमोक्स गोली ले लेंगे और फिर आगे का सफर टूवर्ड्स द पहाड़ शुरू कर देंगे मेरे भाई। जो इतने दिन से मुझे बदनाम किया जा रहा था कि मैं रुकता हूँ, आज भी रुका हूँ, और आज हम लोग जो है जूस पीने रुके, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। नहीं मैं जूस पीऊंगा, सोडा से मेरे को नाक में कुछ तो होता है, तो जूस मारते हैं एक प्यारा सा, और 30 किलोमीटर आ गए अभी तक, तो देखते हैं कैसा होता है क्या होता है, चलो पीते हैं। गाइस ये ना ये अमृत लग रहा है, अभी अमृत जैसा फील हो रहा है ये चीज, पाइनएप्पल भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। दिन का पहला टोल, और हमें ना हम पंजाब में है, कल रात को तो आपको दिखाई नहीं पाए हम लोग, क्योंकि रात को कुछ दिखाने लायक ही नहीं था, सब सो रहे थे पंजाब में, पर यहाँ स्प्लेंडर और बुलेट और स्विफ्ट और थार, इन पे अलॉय व्हील्स, ये सब रखने का बहुत ज्यादा शौक है, अल्ट्रा लेवल शौक है। मतलब लोगों को इधर मॉडिफाई वगैरह करना अच्छा लगता है ये सारी चीजें। तो ये देखो हर जगह बुलेट ही बुलेट है। तो इतने क्यूट होते हैं ना यार पंजाबी लोग, माँ कसम बता रहा भाई, मजाक काट के इतना अच्छे से ग्रीट करते हैं, इज्जत है भाई, ट्रैवलर्स को भी इज्जत देते हैं, लोकल लोगों को भी इज्जत देते हैं, अच्छे लोग है भाई। और अभी जैसे जैसे मंजिल पास आ रही है ना गाइस, जज्बा है ना जज्बा और बढ़ रहे हैं, वो पहाड़ों का वो पानी और वो बर्फ बर्फ देखने का अलग मतलब फील आ रहा है भाई अभी, कि भाई चलो 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 चलते हैं निकलते हैं। अभी 385 किलोमीटर ओनली भाई, आज 2 बजे सिर्फ 385 है, बट फील्स लाइक 600 ओनली, क्योंकि पूरा जो है अपना पहाड़ का इलाका आने वाला है, लास्ट का 150 से 200 किलोमीटर अपना पहाड़ी रहने वाला है, ये सीन है बस, इसलिए टाइमिंग ज्यादा दिखा रहा है, नहीं तो 4 घंटे का भी रास्ता नहीं होता अगर वो पहाड़ वहाड़ का सीन नहीं होता तो। बट नेवरदलेस क्वालिटी अच्छा है रोड का, तो देखते हैं जैसा होता है और आपको भी बताते हैं। स्वागत है आपका पठानकोट में, तो पठानकोट आ गए 116 किलोमीटर फ्रॉम जलंधर, अभी तक क्लॉक कर चुके हैं, जिसमें हमारा एक आधे घंटे का ब्रेक हुआ था जूस वाला ब्रेक, और अभी है ना अभी करण भाई को भूख लगी है, तो उनके साथ साथ मैं भी सौदेबाजी कर ही लेता हूँ कि मेरे को भी थोड़ी सी भूख लग रही है,
नींद वींद और एनर्जी का कोई भी कमी नहीं है, बस अभी खाने का थोड़ा कमी है क्योंकि अभी पहाड़ शुरू हो जाएंगे आफ्टर उधमपुर। जैसे जम्मू बॉर्डर आएगा ना, पहाड़ एकदम शुरू हो जाएंगे और एकदम ही, मतलब आपको क्या बताओ, अभी ना इधर जैसे हम लोग पहुँचे ना, वैसे आजू बाजू एकदम आर्मी वार्मी बढ़ गई है, फाइटर प्लेन्स दिख रहे हैं ऊपर हवा में, चॉपर्स दिख रहे हैं, कार्गो प्लेन्स दिख रहे हैं, इतना मस्त व्यू हो रहा है। सिर्फ एक ही दिक्कत है, अभी तक गर्मी है ना, गर्मी का एहसास हो ही रहा है रे। मेरे हिसाब से जैसे हम लोग पहाड़ उधमपुर के बाद ठंडी का एहसास होना शुरू हो जाएगा, ऐसा फील आ रहा है। गाइज ये देखो, महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति है भाई इतनी बड़ी। और गाइज जम्मू घुसते रहे, जम्मू बॉर्डर आ गए बॉयज, जम्मू बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर फाइनली गाइज फाइनली आ गए भाई। और इतना अच्छा फीलिंग है ये कि चार दिन में जम्मू बॉर्डर मार लिए, फाड़ दिए भाई इस राइड में हम लोग ने ना, मतलब हम लोग है ना, हम लोग, हमारा कोई टेंशन ही नहीं है रे, कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट बीच में से निकलने का, इधर से जम्मू कश्मीर शुरू। गाइस ये जो फीलिंग है ना, मजेदार फीलिंग है रे। और करण भाई अभी सामने थे, अभी पता नहीं किधर रुक गए पीछे, तो भी समझ ही नहीं आ रहा है, पर चलो फाइनली अब यहाँ से जिगजैग रोड्स, थोड़े हाईवे जिगजैग रोड्स, पहाड़ बड़े बड़े शुरू हो जाए। गाइस टाइम देखो, टाइम शाम का 4:30, मतलब इधर से जाते जाते 5 बजने वाले, फिर से अंधेरा होगा और पूरा व्यू गया। बट श्रीनगर पहुंच के रहेंगे, बंदोबस्त हो रहे श्रीनगर के थोड़े। अभी एक पंजाबी ढाबे में हम सब पंजाबी मुंडे बैठे खाना खाने, मंगाया गया पंजाबी दाल, पनीर टिक्का का मसाला और लस्सियां। यहाँ जहाँ भी रुकते हैं चार्जिंग मैंडेटरी है। वो देखो उधर भी है ना, उधर वो देखो हमारा सेना 33,000 हवा में लटक रहा है उधर। अभी फेलते और निकलते। यहाँ खाना खाए भाई बहुत पहले, मजा आ गया। अब वी आर ऑल सेट पैक, 274 किलोमीटर दिखा रहा है। और जाने के पहले आपने मेरे को बोला था, याद है क्या, नहीं गिराऊंगा मैं हूँ ना इधर ना। गाइज एक रैंडम बंदे आए थे मिलने, वो हमारा बिल देके चले गए, हमसे बातचीत करके। वो इधर के रोड का कुछ तो काम है, कॉन्ट्रेक्टर भाई, एकदम बिल देके चले गए। माँ कसम भाई, डायरेक्ट खाने का 1,000-2,000 कुछ तो बिल आया था, देखे निकल गए सीधा, मजा आ गया। चलो गाइस चलते हैं श्रीनगर की ओर। गाइस हमने वो जम्मू वाला हाईवे छोड़ के थोड़ा सा हम लोग ना राइट में आए, और ये देखो थोड़ी थोड़ी वादियां शुरू हो गई है, वेदर एकदम कूल होना लग गया है भाई। ओहो हो, फाइनली गाइस फाइनली इन सब पहाड़ों के बीच आ गए यार। ये फीलिंग भाई कैसे समझाऊं बताओ, कैसे समझाऊं। और अपन ना सबसे बड़ी बात, चलो यहाँ तो चलो मैं आया हुआ हूँ, मुझे पता है कैसे क्या फील होता है क्या नहीं, बट इस बार जो मेन अट्रैक्टिंग एलिमेंट है वो है ये, हायाबुसा पे आया हूँ यार यहाँ तक। इट फील्स डिफरेंट गाइस सीरियसली। और अरे बीआरओ, बी सॉफ्ट ऑन द कर्स, बीआरओ आ गए भाई लोग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एकदम चिल ना। ये सब रोड का काम, मेंटेनेंस, मतलब सल्यूट है बीआरओ को, कहाँ कहाँ से रोड बनाए, किधर किधर के लिए रोड बनाए भाई, मजाक नहीं है भाई। चलो अभी थोड़ा चिल वातावरण शुरू हो गया है, एंजॉय करते हैं राइड को थोड़ा सा। और टाइम भी 6 बज गया है और अभी भी हमको 256 किलोमीटर जाना है, 7 घंटे बता रहे। ट्रैफिक है मतलब किधर ना किधर, तो भी वो सब आपको पता चलेगा कैसे क्या और कैसे क्या नहीं। एंजॉय कीजिए तब तक, और क्या बोले। और जो रोड्स हैं जो मतलब भूसा के लिए नहीं बने, उधर भूसा लेके आ गए भाई। ये कंटिन्यूस ऑफ रोड ऑन रोड, ऑफ रोड ऑन रोड, पर ऑफ रोड ज्यादा है इस वाली पैच पे। ये देखो अभी इधर ये थोड़ा सा टारमैक आया, ये लो आ गया, ऑफ रोड आ गया। और ये पूरे पहाड़ भीड़ काटे है, इधर काम चल रहा है, कंटिन्यूस धूल भी उड़ रहा है, पर पहाड़ों के बीच में सबसे बड़ी बात हम लोग, और ये फील दे रहा है भाई, फील मजा आ रहा है भाई। ये देखो अभी हिमालयन विमालयन है ना, सब आगे जाएंगे ये लोग, और मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं बचेगी। चलो बट नेवरदलेस मजा बहुत आ रहा है भाई, फील है। अपनी चुल थी अपन पूरी करेंगे।
जैसे कि नजारा दिखा रहा था, यहाँ रुके फाइनली सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं भाई, अलग लेवल। और वहाँ है ना, वहाँ अगर आप देख पाओ वहाँ बर्फ के पहाड़ दिख रहे एग्जैक्ट भाई, इतना लंबे से आए फाइनली बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। सनसेट वहाँ हो रहा है अच्छे से, ये प्रॉपर व्यू आ रहा है एकदम, क्लास है भाई फील। टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है धीरे धीरे। सात बज के आठ मिनट हो रहा है और वो सामने देखो उधर क्या प्यारा सनसेट हो रहा है यार। मतलब पहाड़ों में ये सनसेट विटनेस कर रहे हैं आज के दिन में हम लोग। डे फोर के दिन में अगर इतनी खूबसूरती है तो सोचो कि आगे जब बर्फ मिलेगा तब क्या होने वाला है इस बार। व्हाट व्यू है ना व्यू भाई, व्यू का वसूल है भाई वसूल, मतलब मजा आ गया। अभी भी 230 किलोमीटर है। क्या बताऊं भाई आप लोगों को, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, क्या फील है। टाइम बढ़ते जा रहा है भाई, 7 बज गए, सनसेट तो हो गया है पर इतना उजेड़ भी है, पर इतना फीलिंग है ना गाइस ये हाईवे रोड, बाप रे, मतलब पूरा गांव का एरिया यार। मैं यहाँ के बस जाना चाहता हूँ गाइस, सच बता रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। ये देखो ओहो क्या कलर्स आए ना, मैं कैसे बताऊं, अगर ये गोप्रो कैप्चर कर रहा है तो गोप्रो का चुम्मा मेरी तरफ से। इतना अच्छा रोड और अभी भी 220 किलोमीटर, मैंने पहले गलत बोल दिया था शायद, 220 किलोमीटर रह गया है। अलग लेवल है गाइस, अलग लेवल है भाई, अलग लेवल गाइस। इस अच्छी शक्ल में मत जाओ, लगी पड़ी है पीठ पैर और ये जो बैक, जो बम और पीठ के बीच की लाइन है टूट गई है भाई। फील हो रहा है ना, ये ऐसे खड्डे हैं और ये लोग तो ऐसे कूदा कूदा के जा, इसका सस्पेंशन देखो किधर चला गया, दूसरे फ्लोर पे एकदम कूदा कूदा के जा रहे हैं सब। और पेट्रोल भर दो, फुल कर दो इसको, अभी रिस्क लेना नहीं चाह रहे भाई, ये बंद हो गए तो ये और दिक्कत देगी। चलो कर दो फुल। इधर पेट्रोल का प्राइस क्या है भैया? 96 ही है क्या? अच्छा है, जम्मू में भी सस्ता ही है पेट्रोल, परवड़ रहेगा, परवड़ रहा है अभी तक तो, परवड़ रहा है। नाइट राइड शुरू हो गई है भाई फाइनली, यहाँ 8 बजे नाइट हुई है रे, आज लेट हुई है। मतलब यूजुअली मतलब इधर लेट होता है सनसेट, और ले साइड है ना 5 बजे तक पूरा ऐसा कालोक हो जाता है एकदम डार्क। और भी मुद्दा ऐसा है कि श्रीमान भाई सामने चल रहे हैं और उनकी लाइटों के भरोसे मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अपनी लाइट कुछ भी है ही नहीं। और उनका है ना, उनका अभी इंडिकेटर देखा फट गई। हाँ ये देखो गाइस, ये देखो ये इंडिकेटर देखो, इनका ये फॉग लैम्प के साथ सिंक है, ये जैसे इंडिकेटर ब्लिंक हो रहे हैं वैसे आगे भी चल रहे हैं। भाई साहब पूरा गाड़ी कंप्यूटराइज, जरा भी ये बोल रहे कि ले जाके इसको और करेंगे कंप्यूटराइज, बाप रे। अभी मुद्दा ऐसा है, इधर है ना, इधर गाइस देखो, मेरे को ना पहाड़ों का बहुत अंदाजा है, बहुत गाड़ियां चला ये पहाड़ों में, मतलब फोर व्हीलर टू व्हीलर दोनों। अभी मुद्दा ऐसा है ना, ये सारे जो व्यूज जा रहे हैं ना, ये कंटिन्यूस मैंने देख रखे है बहुत बार, 3-4 बार सेम ये ब्रिज से गया हूं मैं। आजू बाजू पानी और सामने एकदम बड़ा पहाड़ है, मुद्दा ऐसा है। पर अभी हमारा जो नाइट राइड है उसके कारण हमारा ये सारे व्यू मिस हो रहे हैं, तो कोई नहीं श्रीमान भाई को मैं वीडियो में दिखा दूंगा कैसे दिखता है, अभी और क्या ऑप्शन नहीं है। पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि अगली बार से अभी हमारे सब जो मेंबर्स ज्वाइन होने वाले हैं आगे भी इस ट्रिप पे, उनके साथ हम लोग सुबह ही निकलेंगे, जिससे कि जो मेन व्यू है ना वो मिस ना हो, ऐसा प्लान हुआ है। अभी ये कितनी हद तक जाएगा ये पता नहीं है, पर कंटिन्यू सब लोग ब्लिंक मार रहे हैं भाई, पीछे से भी एक बंदा आ रहा है कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है लाइट मिरर पे। थोड़ी दिक्कत है बट मजा आ रहा है, फीलिंग है, फीलिंग है। और उधमपुर वाले रोड पे आ गए फाइनली, अभी यहाँ से भी थोड़ा बहुत है पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है रे किधर से है वो, ये हाईवे भी थोड़ी देर का ही, अभी थोड़ी देर में हम लोग फिर से वो घाट वाले रास्ते पे लग जाएंगे। और वो टनल विनल कब आएंगे मेरे को वो एक्चुअली याद नहीं है, चेनानी टनल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। मजेदार है यार वो जगह ना, फीलिंग आ जाती है वो टनल देख के। बाकी एकदम मस्त चल रहा है सब सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसी, एकदम सब स्मूथ चल रहा है, स्मूथ। हमारा अराइवल रात के 2 बजे का दिखा रहा है और ट्रैफिक भी है, तो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं, कैसे होता है। गाइस 8:45 और हम लोग इतने अच्छे पहाड़ों के बीच रुके हुए हैं एक एनर्जी ड्रिंक मारने के लिए, प्रॉपर एकदम। और सबकी गाड़ियां इतना प्रॉपर राइड वाली फील, ये लाइटें दिख रही है ना छोटी छोटी, ये देखो चाय की चुस्की इन द फर्स्ट पहाड़, पहला चाय इन द पहाड़, चाय और मैगी बेस्ट कॉम्बिनेशन। हाँ अभी मैगी भी ऑर्डर की है, मैगी आ रही है। और ये जो लाइट्स, अब छोटे छोटे लाइट्स दिख रहे हैं ना, 60 FPS में थोड़ा हग रहा है, बट ये जो व्यू है ना, व्यू
गाइस आप जाके 2021 वाला व्लॉग देखो, आपको प्रॉपर दिख जाएगा उधर, एक नंबर व्यू था मेरा थंबनेल है। पठानकोट टू श्रीनगर वाला व्लॉग देखना जाके, ये पूरा रास्ता कवर किया हुआ है ऑन हिमालयन, और इतना क्लास व्यू है ना, जाके देखो बस एक बार, मजा आ जाएगा। बट ये फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, सुकूनदायक है एकदम, इस प्यारी सी जगह को बाबा बोलते हैं। चलो भाई मिलते हैं फिर से जल्दी। थैंक यू, मैगी अच्छी लगी भाई बहुत, कितना क्यूट है देखो, कितना क्यूट बंदा है। चलो भाई फिर से बैठते हैं अपन इस गाड़ी पे, कंटिन्यू करते हैं, अभी भी 170 किलोमीटर बाकी है, चलो चलते हैं। फाइनली चेनानी में आपका स्वागत है। आहा, इस टनल में घुसते हुए हम और ये टनल शुरू ना ब्रो। ओ देखो गाइस सामने चेनानी द टनल, चेनानी द चेनानी द बॉय द टनल द चेनानी। तो गाइस ये टनल में घुस के ना ये लोग एक्साइट हो गए रहे अचानक, मतलब मैंने करा हुआ है, देखो मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे लिए भी वही फीलिंग है इस गाड़ी को यहाँ लेके आना। और ये साउंड तो सुनो, आहा, म्यूजिक टू माय इयर्स गाइस, म्यूजिक टू माय इयर्स फीलिंग है भाई लोग, लिटरली बता रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, फीलिंग है फीलिंग। चेनानी टनल से घुसना एक फीलिंग है, और ये फीलिंग आप सब भी लीजिएगा जरूर। बाप टनल है, एक नंबर टनल है, लंबा है, मेरे हिसाब से 3.5 से 4.25 किलोमीटर तक होना चाहिए ये टनल। मैं गूगल पर डालूंगा और आप लोगों को यहाँ टेक्स्ट पे दिख रहा होगा कितने मीटर, मतलब कितने किलोमीटर का टनल है, ठीक है। बस चलो अभी थोड़ा गुदमरने जैसा हो रहा है तो बाहर निकलते हैं। चेना नहीं खत्म हुए हैं और ये नानी याद दिला रहा है उसके बाद दोस्त, ये खराब रोड शुरू। और ये देखो ये तीनों को देखो, अभी ये तीसरा भी जाएगा आगे, अभी ना अभी मुद्दा ऐसा नहीं कि खराब रास्ते, अभी ना ये गीले रास्ते भी आ गए। मैं क्या क्या करूँ रे, खत्म हो गया वही, मतलब ठीक है एक कंट्रोलिंग होता है, सब होता है, राइडर हूँ सब हूँ, पर ये बाप रे, मतलब कर रहा हूँ रे, कर रहा हूँ। ये राइट में ना डायरेक्ट गाइस खाई है, इसके बाद ऑक्सीजन ना डायरेक्ट बंद हो जाएगा। ये देखो सीमन भाई क्या बोल रहे गाइस कि इन जब से खड्डे आ रहे हैं ना इनको और अच्छा लगने लगा है फील। चेनानी के बाद गंदा रोड है, गंदे रोड के बाद ये कुछ तो भी टनल आया है, इसका नामकरण नहीं पता अभी, मतलब नाम नहीं पता हमको क्या सीन है, पर हम घुस गए। पर एकदम छोटा सा है तो इसलिए कोई वांदा नहीं है, पर ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए इतना धूल मिट्टी है इधर। अभी देखो यहाँ से ना, यहाँ से श्रीनगर 135 किलोमीटर है अभी भी, क्या बोलूँ अभी, छोड़ो चलते गाइस। गाइस पहले ही ये खराब रोड, अभी खराब रोड में गाड़ी चल तो रही थी, अभी सामने ना सामने कुत्ते जैसा ट्रैफिक दिख रहा है, कुत्ते जैसा ट्रैफिक, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। रुकता हूँ इधर गपचुप BMW के साथ, भाई साहब ऐसा दुखन हो रही है ना हर जगह से, ऐसा दुख रहा है ना क्या बताऊँ भाई, मेरी दुख हो रहा है मुझे। ट्रैफिक का रीजन है ना रीजन, ये देखो ये है ट्रैफिक का, इधर कुत्ते जैसा ट्रैफिक हो रहा है इधर, बाप रे इधर भी ऑफ रोड ही है रे, पूरा रास्ता छोड़ के हम सिर्फ ऑफ रोड कर रहे हैं, क्या ही बोले गाइस, क्या है सीन। वो देखो ट्रैफिक उधर तक है, नीचे तक दिख रही है पूरा, वो देखो लाइन, बाप रे आने वाला है, मजा आने वाला है गाइस, मजा आने वाला है फुल एकदम ना एडवेंचरस राइड। ये देखो देखो हॉर्न हॉर्न देखो, फुल एडवेंचर हो रहा है एडवेंचर। और सीमन भाई वो करो ना फ्लिक, करो फ्लिक 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 फ्लिक, ये देखो देखो ये ना ये पागल कर देता है सामने वाले को, डायरेक्ट हल जाता है, ये ट्रक भी हल जाएगा अभी।
ये देखो इसका टायर देखो, इधर जगह पे घूम रहे है, जगह पे घूम रहा है टायर। बाप रे खत्म है कान। बाप रे गाइस, नुस्ता 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 वाटर क्रॉसिंग, कौन सा हम लोग इधर परीक्षा देने आए हैं। ट्रैफिक ही ट्रैफिक, 11:30 बज गए, अभी भी 100 किलोमीटर के ऊपर बचा हुआ है, ये अपडेट है। मजा आ रहा है, पर ये जो चारों लोग है ना, चारों लोग ऐसे बाप है ना बाप, ऐसा कॉमेडी हो रही है फुल रस्ते के बीच। पहला फॉल हो गया इस ट्रिप का। गई रे गई, लेट्स गो ना ब्रो, यही तो है एंजॉय करने वाली बात। अभी इसको उठाएंगे कैसे? वो साइड जाओ। अरे पर इधर इधर ये नहीं है कुछ भी, इधर कैसे करेंगे? अभी है ना, अभी फॉल हो गया, उठ के वापिस चल दिए हम लोग। हम ऐसे लोग हैं ना, नींद ना खाना ना पीना ना कुछ, 12 बज गए, गिर भी रहे, डायरेक्ट महीज भी आ रहा है, खत्म हो रहा है सिस्टम, फुल खेल चालू। वापिस चल दिए अपनी मंजिल की। अभी ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी गिरी थी और अभी पतु भाई की जो हिमालय वो पंचर हो गई है, सिस्टम खत्म हो गया है और हम हार चुके हैं। ये क्या हो रहा है, लद्दाख पहुंचने के पहले सबकी गाड़ियां ऐसे क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। और देखते क्या सीन बनता है उधर, क्या शॉट हुए देखना पड़ेगा। एक्सट्रीम राइड हो गई रे, अचानक एकदम अचानक एक्सट्रीम राइड हो गई। चलो पतु भाई की गाड़ी पंचर हो गई रे बाबा। फिर गाड़ी अभी ऐसी लेके जा रहे हैं हम लोग, पीछे का टायर देखते क्या सीन है, ज्यादा लग नहीं रहा है बड़ा मुझे। आराम से कोई घाई नहीं आराम से। ये देखो लेफ्ट टायर फ्लैट हो गया है। और अभी मुद्दा ऐसे है, हमारे पास ट्यूब्स ही नहीं है, ये लोग ट्यूब नहीं लाए दोनों। अभी हम कैसे है श्रीमान भाई और मेरा हायाबुसा ट्यूबलेस है, इनके ट्यूब वाली गाड़ी है। अभी अगर टायर हम खोल भी लेते हैं तो भी हमारे पास फिक्स करने के लिए कुछ भी नहीं है, ट्यूब वाले टायर्स का एटलीस्ट ना ट्यूब है। तो अभी पता नहीं क्या सीन होने वाला है क्या नहीं, आपको देखते अभी अपडेट करते, या तो हमको आगे जाके किसी को लाना पड़ेगा या तो देखते हैं। अभी इन्फ्लेटर से ट्राई करते हैं पहले क्या सीन है, इन्फ्लेटर से ट्राई करके देखते हैं क्या सीन है। हमको किला तो मिल गया, किला किधर है सीमन भाई? बहुत बड़ा किला घुसा हुआ है ना, ये किला है गाइस। अभी सीरियस सीन से हवा भरने का ट्राई है, कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। सीमन भाई और मैं पीएम पे जा रहे भाई देखने, सारा सामान जो पीछे था उतार दिया, नंगी गद्दी गाड़ी सामान उधर डाल दिया पूरा, ये सब यहीं रहेंगे, हम दोनों जाके देख के आते हैं। वो सब बोल रहे 1-2 किलोमीटर पे भी एक बंदा है, उसको जाके उठाना पड़ेगा, और 7-8 किलोमीटर पे भी है। अभी क्या पैसे की ऑफर करनी पड़ेगी उसको खोलने के लिए, देखते चलो। अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ, बैठू ऐसे बैठता हूँ मैं। सीमन भाई निकल चुके हैं हम लोग, ड्राइवर अंकल उन्होंने बोला कि भाई 1.5-2 किलोमीटर पे है सीन, लगी पड़ी है। गाइस एक सूरज की किरण मिली है, ये आपको फोर व्हीलर दिख रही है क्या? ये अभी हमने इस दुकान से पीछे से एक्सप्लोर करी है और अभी वो हमको नीचे लेके जा रहे हैं किसी दुकानदार के पास जो टायर का काम करता है, और सीमन भाई और मैं तैयार है। चलो भैया ने गाड़ी घुमा ली है, फुल एडवेंचर हो रहा है। टाइम है ना टाइम गाइस, 1 बज गया रात का और घाटों में अलग सवारी चल रही है हमारी, पंचर ठीक करने में थोड़ा सा ऊपर। गाइस टायर शॉप मिल गए, सूरज की कुछ किरण है भाई, और अभी यहाँ भैया को उठाना पड़ेगा। ये बंदे हैं उठ गए, और ये सर है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम में हमारा है। अच्छा रेस्क्यू टीम ही आपकी? आज ये हमारे रेस्क्यू पे निकले और सीमन भाई और मैं इतने लकी फील कर रहे हैं बहुत। अभी देखते कैसा क्या होता है। सर गाड़ी भी लेके आए इतने लंबे से भाई, ऐसा ना इधर से गले से पानी उतरा थोड़ा सा, अभी वो वापिस ना आ जाए ऐसे। गाइस पंचर वाले मिल गए, बैठ भी गए, और ये अभी ये देखो सिस्टम, ये देखो ये श्रीमान भाई को अलग चीज सूझ रही है इधर, हम गाड़ी का इंटीरियर देख रहे हैं। अरे वो अपने बंदे रुके ठंड में उधर, भाई क्या मजा आ रहा है ना, आप लोगों को क्या बताओ। श्रीमान भाई ने बोला यार टेंशन नहीं लेगा, चलो मजा आएगा, और इतना मजा आ रहा है ना, वापिस चलो गाड़ी पे। अभी पंचर वाले भैया, ये भैया है, ये फोर व्हीलर है, सब आ गई है। और बतो भाई अभी हो तो जाएगा, पर क्या लग रहा है ये मुखड़ा तो उतारो, इनको देखो हंसी आ रही है भाई, फील है। ये देखो गाइस, ये है हमारा दुश्मन जो हमको यहाँ, ये देखो ये है। अरे तू मेरे गाड़ी में ये हो गई दिक्कत अभी। अरे बाप रे, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है ट्यूब को,
ट्यूब को सिर्फ चिरटा है, सिर्फ चिरटा है, ये देखो सिर्फ पैच से हो जाएगा, पैच से हो जाएगा गाइस। अभी फाइनली ये सब हो गया, टायर वायर खोल दिया, मस्त काम हो गया। देखो हो गया, टेम्पररी जुगाड़, हमने पैच लगा दिया है, ये टेम्पररी जुगाड़ है, अभी आपको ये पहुंचा देगी 100 किलोमीटर तक एटलीस्ट, ये पैच खुलने की संभावना होते है। हाँ, ये क्या है सीन मैं बताता हूँ, ये अभी मुद्दा ऐसा हो जाता है कि ये पैच टेम्पररी है, ये खुल भी सकता है चलते चलते, बट भैया जिस हिसाब से लगा रहे, हाँ भैया नहीं खुलेगा ना अभी, है ना, नहीं खुलेगा ना, तो ऐसा मुद्दा है, अभी ये देखते हैं। फिर इसके बाद एयर इन्फ्लेटर है हमारे पास, सबसे अच्छी चीज, चारों में से सिर्फ एक बंद ने कैरी किया था, कहीं ना कहीं हम डिपेंडेबल है। इन्फ्लेटर लगा दिया इधर, और देखते हैं अभी 40 करके टायर फिटिंग विटिंग हो गया है, अभी ये भरता है, फाइनली भर रहा है टायर में हवा भर रहा है, और अब थोड़ा लकी से फील कर रहे हैं फाइनली भाई, फाइनली बहुत थकवा हो गया था, बट ये सब में एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी मच रही है, मतलब ये राइडिंग विटिंग मेरा स्टाइल है, और ये जब होता है हम मजा आता है, अभी भर रहा है हवा भर रहा है, कंटिन्यू हवा भर रहा है। थैंक यू सो मच सर, इतना रात को आपने मदद की, और सर आप भी, आपकी नींद तोड़ी हमने, सॉरी, वेरी सॉरी, ये भैया को नींद से उठा के लाया, बट फाइनली पत्थर लगे, ये सर की गाड़ी लेके आई, ये बहुत बड़ी बात है, ये देखो ये गाड़ी में इनको बिठा के लेके, सबसे अच्छा गाड़ी की लाइटिंग लगी अंदर की, अरे आप ले गया लाइटिंग ला इज्जत है गाइस, हमारे से अलग कोई हो नहीं सकता, हमारे जैसा भी मिलते सीधा गोपुरों पे, फाइनली हो गया पंचर विंचर, ये गाड़ियां चालू हो गई है, एंड निकलते हैं यार भाइयों, बस अभी टाइम देखो आप, रात का 2:30 बज गया, ये टाइम पे हमको श्रीनगर में आराम से पहुंच जाते, और चलो कोई नहीं, ये सारी जो चीजें हैं ना गाइस, ये ट्रिप पे होती रहती है, और बस साथ इम्पोर्टेंट था, जो कि हम सब साथ थे ही, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बाकी एंजॉय बहुत किया हमने। अभी ये ट्रैफिक को फिर से जूझते, और 10 किलोमीटर बाद हाईवे लगने वाला है, पहले बनिहाल टनल लगेगा, और एक टनल देखो, ये व्लॉग शायद 1 घंटे का बने, बट देखो आज मजा आएगा। 3 बजने आए रे, अभी भी 100 किलोमीटर है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये कौन सा ट्रैफिक है भाई, कौन सा ट्रैफिक है ये जो रोड ही नहीं दे रहा है हम लोगों को। आई नो ये व्लॉग बहुत लंबा बना है, अब कुछ कर नहीं सकते गाइस, सब दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, सिचुएशन कैसा चल रहा है रियल टाइम, हमारी कैसी लग रही है, और स्पेशली मेरी भूसा है ना भूसा गाइस, नॉट एन इजी जॉब, आज समझ आया है, ये सब कर लिया रे भूसा पे, इससे ज्यादा अभी सिर्फ बर्फ में ले जाना बाकी है, वो भी टेस्ट कर लेंगे, वो भी दिखाई देंगे आपको अगले व्लॉग में। चलते हैं अभी फिलहाल श्रीनगर की तरफ, ये अपडेट है गाइज, ये फाइनल ये चूर चूर नान वाले रस्ते से निकल के हाईवे दिखा है भाई, श्रीनगर का हाईवे फाइनली, अभी आएगा बनिहाल टनल, आपको दिखा रहे हैं और एक टनल मुझे हंसने आ रहा है रे, ये व्लॉग में खुद ही हंसने आ रहा है, ये क्या सिचुएशन है, 3 बजे और एक टनल दिखाएंगे आपको, मजा लीजिए इस व्लॉग के गाइज, मजा लीजिए, बनिहाल टनल भी देख लो, देखो इस टनल को, ये देखो बनिहाल टनल गाइस, बनिहाल टनल में आ गए भाई, स्वागत है आपका बनिहाल टनल में। गाइस ये बनिहाल विनिहाल ठीक है, पर ये आगे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, मां कसम भाई, पूरा धूल धूल हो गया, धूल धूल, एकदम आराम से चल रहा हूँ देखो 60 के स्पीड पे, जो होगा देखा जाएगा, लाइट भी नहीं है अपने पास, तो हंसने आ रहा है पूरे व्लॉग पे, एक क्या हालत बना लिया हमने खुद की। और हम लोग आ गए हैं श्रीनगर फाइनली, गाड़ियां यहाँ पार्क हो गई है, हमारे जो बंदे हैं ये घाट नंबर 1 बोल के कुछ है, और ये है हमारा दल द लेक, हाँ ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो बोट हाउस, बोट, सुबह सुबह श्रीनगर के रस्तों पे निकले वॉकिंग करने हम 700 किलोमीटर चलाने के बाद, ये हाथ का हालत देखो, चेहरे का हालत देखो, ये गरीबी देखो, ये जैकेट नया लाया तेरे, ये देखो शिवन भाई मुड़ा एक बार, ये करण भाई खत्म है ब्रो आज, तो पहुंच गए श्रीनगर और हेडिंग टूवर्ड्स द बोट हाउस, हाउस बोट जो भी है वो, अभी 20 घंटे तक तो मैं दिखूंगा नहीं गाइस, दल लेक में आपका स्वागत है। फाइनली
फाइनली हम लोग बोट हाउस में आ गए और ये व्लॉग यहीं तक ही था। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस और लंबा, जो जिस जिसको चाहता ना लंबा व्लॉग दो ले लंबा तो पहुंच गए बोट हाउस में। ये है अपना बोट हाउस, उसको अगले व्लॉग के लिए रखते हैं। अभी फिलहाल टाइम है ना, जो टाइम सुबह का 6:30 बज गया है और अभी हम पहुंचे, राइड खत्म हो रही है हमारी। तो आज का प्लान यही है कि अभी ये बिस्तर हमारा जो है डायरेक्ट सोएंगे और देखते कब उठेंगे। ये व्लॉग यहीं तक था, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। दिस इज विक्रांत सक्सेना साइनिंग ऑफ, बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, सी यू सून।